कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़ी है, उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि जब कोर्ट से राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया था तो शहजादे ने खास लोगों की एक मीटिंग बुलाई थी। शहजादे ने कहा था कि कांग्रेस सरकार आएगी तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट देंगे। इनके पिताजी ने तुष्टीकरण के लिए 3 तलाक के मामले में साहबानों केस में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसके निर्णय को पलट दिया था। कहते हैं वैसे ही अब राम मंदिर के फैसले को भी पलट देंगे। साथियों, आज ही इंडी गठबंधन के एक और नेता ने कहा है कि राम मंदिर तो बेकार है। बताइए, यही नेता पहले भगवान राम की पूजा को पाखंड बता चुके हैं। किसी और धर्म के लिए ये ऐसी भाषा सपने में भी बोलने की हिम्मत नहीं दिखा सकते, लेकिन तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए ये लोग बार बार प्रभु श्री राम का, राम भक्तों का लगातार अपमान कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों का भी है? आपने सुना होगा, इंडी अगाड़ी के लोग वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के लोग 26/11 के मुंबई हमले के आतंकियों को क्लीन चीट दे रहे हैं। शिंदे जी ने अभी अपने भाषण में इसका उल्लेख भी किया। कसाब समेत जो 10 आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, ऐसा लगता है कांग्रेस उनसे कोई रिश्तेदारी निभा रही है। देश पूछना चाहता है कांग्रेस के लोगों और आतंकवादियों का ये रिश्ता क्या कहलाता है। देश भूला नहीं है वो दिन जब कांग्रेस के समय में आतंकियों का स्वागत प्रधानमंत्री आवास में होता था और देश ने वो दिन भी देखा था जब दिल्ली में बाटला हाउस में मारे गए आतंकियों के लिए कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आंसू बहा रही थी। आतंकवादियों के मरने पर इंडी अगाड़ी वालों वही दिन देश में वापस लाना चाहते हो? याद रखो, मोदी चट्टान बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है।